अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ कोरियन फ्राइड चिकन की रेसिपी। कोरिया में ये बहुत फेमस है डाक गैंग चोंग के नाम से। सुपर क्रंची एंड क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए यहाँ पे हमने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले लिया है। थोड़े से मीडियम पीसेज में इसको कट किया है। थोड़ी सी सीजनिंग ऐड कर देते हैं, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून चिली पाउडर और हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 3/4 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर। चिकन को सुपर क्रंची बनाने के लिए दो स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट कॉर्न स्टार्च जो हमने 6 टेबल स्पून यहाँ पे लिया है, दूसरा डबल फ्राई। ये दोनों चीज़ें हमारे चिकन को सुपर क्रंची बनाएंगी। 1 whole egg ले लेंगे, इसको बीट कर लेंगे और ऐड कर देंगे चिकन में। सारे इंग्रेडिएंट्स को वेल कम्बाइन करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 100 ml वाटर। अब हमें चिकन के सारे पीसेस को बहुत अच्छे से कोट कर लेना है और इसको रख देंगे साइड में। एक पैन में हम ऑयल ले लेंगे, इसे हीट अप कर लेंगे क्योंकि हमें अपने चिकन को फ्राई करना है। तो जब ऑयल हीट अप हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 by 1 अपने चिकन के पीसेस को। चिकन के पीसेस को अब हम दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे 5 मिनट्स के लिए। थोड़ा सा क्रंची होने लगेगा, हम इसको निकाल लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 10 मिनट्स के लिए हम वेट करेंगे इसको डबल फ्राई करने के लिए और मीन टाइम में हम बना लेंगे स्पेशल सा सॉस। 3/4 कप हॉट चिली सॉस, उसमें ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून केचप, साथ ही में ऐड करना है 1 teaspoon सोया सॉस, 1.5 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक्जॉटिक सा सॉस बनके हमारा तैयार है। 10 मिनट्स के बाद ऑयल को दोबारा हीट अप कर लेंगे और ऐड कर देंगे इसमें फ्राइड चिकन। डबल फ्राई करने की वजह से हमारा चिकन सुपर क्रंची और क्रिस्पी बनके तैयार होगा। हमें गोल्डन ब्राउन होने तक के इसे फ्राई कर लेना है, 4 to 5 मिनट्स लगेंगे। अंदर से ये सॉफ्ट एंड जूसी होगा और ये तभी हो सकता है जब आप इसे दोनों टाइम मीडियम हीट पे ही फ्राई करें। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। चिकन पीसेस फ्राई होकर तैयार हो गए हैं, इनकी आउटर लेयर एक्सट्रीमली क्रंची एंड क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। अब बना लेते हैं सॉस, जिसके लिए हमने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक लिया है, ऐड कर दिया था। लाइट ब्राउन जैसे ही होगा हमारा गार्लिक, उसमें ऐड कर देंगे सॉस। फ्लेम हमारी लो है, हम बस इसको स्टर करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे अपने फ्राइड चिकन। सारे चिकन को ऐड करने के बाद इसको आप टॉस कर लीजिएगा, नहीं तो अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहते हैं फ्राइड चिकन, तो एक दिन पहले आप वाइट विनेगर में ग्रीन चिलीज को चॉप करके ऐड कर दीजिएगा और उसको सोख होने के लिए छोड़ दीजिएगा ओवरनाइट के लिए और नेक्स्ट डे उसे यूज़ करिएगा। एक्जॉटिक सा कोरियन फ्राइड चिकन बनके बिल्कुल तैयार है। इसकी सीजनिंग करिए सेसमे सीड से और हमें कमेंट में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।